देखिए आज के वीडियो में जो पहला टॉपिक है वो है असमतली समानांतर बल। ये जब हम लोग असमतली बल को क्लासिफाई किए थे तो तीन पार्ट में हुआ था, तो यही जो असमतली का जो तीसरा पार्ट है वही है असमतली समानांतर बल। समानांतर से आप क्या समझते हैं? समानांतर का मतलब होता है कि मान लीजिए दो बल लगे हुए हैं, ठीक, तो उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, वो आपस में क्या होगा, समान होगा। किसी भी पॉइंट पे उन दोनों बल के बीच का जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या होगा, समान होगा, मतलब कहीं ज़्यादा कम नहीं होगा, तो समानांतर बल हो गया। असमतली का मतलब क्या हो गया कि जब जो बल लगे हैं वो क्या होगा, एक से ज़्यादा तल में होगा, एक से ज़्यादा प्लेन में होगा। जब एक से ज़्यादा प्लेन में होगा तो वो क्या हो जाएगा, असमतली। तो असमतली समानांतर बल क्या हो जाएगा, वे समानांतर बल जो एक से ज़्यादा तल में लगे हों तो वे असमतली समानांतर बल कहलाते हैं। ठीक, कहने का मतलब है कि आपका जो जो बल हैं उनका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा। ठीक, देखिए क्या है, हिंदी में इसको लिखा हुआ है, असमतली समानांतर बल क्या होता है, यदि किसी पिंड के विभिन्न तलों में क्रियारत बलों में निकाय जिसके सभी बलों की क्रिया रेखाएं परस्पर समानांतर हों, अर्थात किसी बिंदु पर घटती न हो और न ही आपस में बढ़ती हों, ऐसे बलों को असमतली समानांतर बल कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, असमतली समानांतर बल क्या हो गया कि भाई उसका जो तल होगा, जो प्लेन होगा, वो एक से ज़्यादा होगा, ठीक, और जो बल होंगे वो आपस में क्या होंगे, समानांतर होंगे। बल निकाय क्या होता है, सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है, वह जिसमें कि आपका निकाय मतलब समूह होता है, और बल निकाय मतलब बलों का समूह। समूह क्या होता है, जब दो या दो से अधिक हो, तो जब दो या दो से अधिक बल किसी बॉडी या किसी पिंड पे लगेंगे तो उसे बल निकाय कहेंगे। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा रिजल्टेंट फोर्स, इसको हिंदी में कहते हैं परिणामी बल। क्या होता है, यदि किसी दृढ़ पिंड के पर दो या दो से अधिक बल क्रियारत हो तथा इन सभी बलों के स्थान पर केवल एक बल ज्ञात किया जाना संभव हो तो पिंड पर वही प्रभाव उत्पन्न करे जो दिए गए सभी बल मिलाकर उत्पन्न करते हैं। तो इस एकल बलों को इन सभी बलों का परिणामी बल कहा जाता है। वापस सुनिए एक बार, यदि किसी दृढ़ पिंड पर दो या दो से अधिक बल क्रियारत हों तथा इन सभी बलों के स्थान पर केवल एक बल ज्ञात किया जाना संभव हो जो पिंड पर वही प्रभाव उत्पन्न करे जो दिए गए सभी बल मिलाकर उत्पन्न करते हैं, तो इस एकल बलों को इन सभी बलों का परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई बॉडी है, कैसी बॉडी है, रिजिड बॉडी है, दृढ़ पिंड है, कोई रिजिड बॉडी है उस पर दो या दो से अधिक बल लगे हुए हैं, कोई रिजिड बॉडी है उस पर दो या दो से अधिक बल लगे हैं, तो वो दो या दो से अधिक बल लगे होंगे तो अलग अलग उसका मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, ठीक। तो मान लीजिए दो बल लगे हैं तो उन दोनों बल के इक्विवेलेंट जो बल होगा, उन दोनों बल के इक्विवेलेंट, इक्वल, समान जो बल होगा उसी को हम कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स या परिणामी बल। और क्या होगा, ये उतना ही प्रभाव उत्पन्न करेगा जो वो दोनों बल मिलकर करेंगे। मान लीजिए कोई एक गाड़ी है, मान लीजिए एक ऑटो है, ठीक, ऑटो को दो लोग मिलके धक्का देते हैं, ठीक। अब दो लोग मिलके धक्का देते हैं जब ऑटो को, तो हो सकता है कि एक आदमी उस पर 50 न्यूटन का बल लगाए, ठीक, और एक आदमी उस पर
40 न्यूटन का बल लगाया, ठीक, एक 50 न्यूटन का बल लगाया, एक 40 न्यूटन का लगाया। अब दोनों बल जब 50 और 40 न्यूटन का लगा, तो एक्चुअल में मान लीजिए जब धक्का दिए तो उस ऑटो पे कितने न्यूटन का बल लगा भाई, दोनों का मिला के हुआ 90 न्यूटन का। तो वो 90 न्यूटन का एक बल जो होगा वही क्या होगा, परिणामी बल होगा, ठीक। तो उसी को कहते हैं परिणामी बल, और वो क्या होगा, सेम इफेक्ट सेम प्रभाव डालेगा जो अलग अलग बल डाले हैं 50 न्यूटन और 40 न्यूटन के, ठीक। तो क्या है, इसको फाइंड आउट किया जाता है, इसको निकाला जाता है फॉर्मूले से, रिजल्टेंट फोर्स। ये एक्चुअली में, ठीक, जो परिणामी बल होता है ये एक्चुअली में आपको दिखाई नहीं देगा किसी बॉडी पे। मान लीजिए दो या दो से अधिक बल लगे हुए हैं, 5 बल लगे हैं, 6 बल लगे हैं, तो उसका जो परिणामी बल होगा वो आपको आपकी आंखों से दिखाई नहीं देगा। ये जो कैलकुलेशन किया जाता है, सवाल लगाया जाता है, तो उसके लिए होता है। वहाँ पे हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं कि मान लीजिए कोई पुल बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उस पुल पे अलग अलग गाड़ी गई, कुछ का कुछ न्यूटन वेट था, किसी का कुछ न्यूटन था, तो उसका सम्मिलित कुल प्रभाव, रिजल्टेंट कुछ परिणाम, कुल परिणाम उस पुल पे क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी डिज़ाइन की जाती है पुल की। इस नाते कैलकुलेशन में इसको यूज़ किया जाता है। आपको कभी भी परिणामी बल दिखाई नहीं देगा आपकी आँखों से, नेकेड आई से वो दिखाई नहीं देगा। तो क्या है, यदि किसी दृढ़ पिंड पर दो या दो से अधिक बल करेगा, कोई रिजिड बॉडी है उस पर दो बल या दो से अधिक बल लगे हुए हैं, ठीक, और इन सभी बलों के स्थान पर, मान लीजिए दो बल या दो से अधिक लगे हैं, इन सभी बलों के स्थान पर, उसकी जगह पर, उसकी प्लेस पर केवल एक बल ज्ञात किया जाना संभव हो, पॉसिबल हो। मान लीजिए दो या दो से अधिक बल लगे हैं, उनके स्थान पर कोई एक बल हम ज्ञात कर लें, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, अब वही प्रभाव वो बल डाले, जो एक बल हम ज्ञात किए वो बल भी उतना ही प्रभाव डाले जो दो या दो से अधिक बल डाले हैं, ठीक। तो उस बल को हम कहेंगे परिणामी बल या रिजल्टेंट फोर्स। अब देखिए आगे क्या है, साम्यक बल, इक्विलिब्रियंट फोर्स, साम्यक बल या इक्विलिब्रियंट फोर्स। ये क्या होता है, यदि किसी पिंड पर बल निकाय कार्य कर रहा हो तो उस बल निकाय के प्रभाव के बराबर डालने वाला एकल बल उस बल निकाय का परिणामी बल कहलाता है, तथा उस परिणामी बल के समान परिणाम तथा विपरीत दिशा का एकल बल यदि पिंड पर लगाया जाए तो वह एकल बल निकाय के पूरे प्रभाव को नष्ट कर देता है, तथा वह साम्यक बल या इक्विलिब्रियंट फोर्स कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई पिंड है, रिजिड बॉडी है, दृढ़ पिंड है, उस पर क्या है? लगा है सिस्टम ऑफ फोर्स, बल निकाय। बल निकाय क्या है, बलों का समूह। समूह क्या होता है, दो या दो से अधिक बल। कहने का मतलब क्या है, वापस समझिए, कोई बॉडी है, कोई पिंड है, कैसी बॉडी है, रिजिड बॉडी है, दृढ़ पिंड है, उस पर बल निकाय लगा है, सिस्टम ऑफ फोर्स लगा है। सिस्टम ऑफ फोर्स बल निकाय क्या होता है, बलों का समूह। समूह क्या होता है, दो या दो से अधिक, ठीक। तो बल निकाय मतलब दो या दो से अधिक बल लगे हुए हैं, ठीक। तो उन सभी बलों का जो एक बल उसके इक्विवेलेंट होगा, और एक बल जो इक्विवेलेंट होगा वो उतना ही प्रभाव, उतना ही इफेक्ट डाले जितना बाकी बल मिलकर डाले हैं। तो वो जो एक बल है, एकल बल है, उसको हम कहते हैं, अभी पढ़े हुए हैं, परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक। अब रिजल्टेंट फोर्स एक बल हो गया, उसके जस्ट अपोजिट जिस दिशा में रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल लगा है उसके जस्ट विपरीत दिशा में कोई बल लगा हो और वो परिणामी बल के इक्वल हो, मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल हो, परिणामी बल के इक्वल हो, बराबर हो, और जिस दिशा में परिणामी बल लगा है उसके अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में लगा हो, तो क्या करेगा वो बल, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके इफेक्ट को, प्रभाव को ख़त्म कर देगा, शून्य कर देगा। तो वह बल जो रिजल्टेंट फोर्स के प्रभाव को, इफेक्ट को ख़त्म कर देगा,
उसको हम कहेंगे साम्यक बल या इक्विलिब्रियंट फोर्स। फिर से सुनिए, कोई बॉडी है, ठीक, रिजिड बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी है, उस पर बल निकाय लगा हुआ है, सिस्टम ऑफ फोर्स लगा हुआ है, ठीक। सिस्टम ऑफ फोर्स में बलों का समूह है, अब उस पर क्या होगा, उस बलों के समूह के इक्विवेलेंट जो बल है, उस बलों के समूह के इक्विवेलेंट इक्वल जो बल लगा है, और वो बल आपका वही प्रभाव डाले जो वो बलों का समूह डाल रहा है। तो वो बल क्या है जो इक्वल प्रभाव डालेगा, एक बल है, उसको हम कहेंगे परिणामी बल या रिजल्टेंट फोर्स, ठीक। अब रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, परिणामी बल का कुछ परिमाण होगा और कुछ दिशा होगी। अब उस परिणामी बल का परिमाण के इक्वल कोई दूसरा बल लगे, और परिणामी बल जिस दिशा में लगा हुआ है उसके विपरीत दिशा में लगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका साम्यक बल, ठीक। इक्विलिब्रियंट फोर्स, इक्विलिब्रियंट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल होगा, और रिजल्टेंट फोर्स जिस दिशा में लगा होगा, जिस डायरेक्शन में लगा होगा, उसके अपोजिट में लगेगा, उसके विपरीत दिशा में लगेगा। तो जब मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है साम्यक बल का, तो वो क्या करेगा, जो परिणामी बल है उसके प्रभाव को, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक, ख़त्म कर देगा, और न्यूट्रलाइज कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो कुल मिला के उसका प्रभाव बॉडी पे क्या पड़ेगा, शून्य होगा, मतलब कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, ठीक। तो उसी को कहते हैं इक्विलिब्रियंट फोर्स। ये बल हम तब लगाते हैं जब किसी बॉडी को, किसी पिंड को हम चाहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो रहे, मेंटेन रहे, या करना चाहते हैं, तो हम फार्मूला लगा के रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड परिमाण निकालते हैं, उसका दिशा को ज्ञात करते हैं, और जो परिणाम आया है, ठीक, परिणामी बल जो आया है उसका जो परिमाण होगा उतना ही बल, और जिस दिशा में परिणामी बल लग रहा है उसके विपरीत दिशा में जस्ट हम ये साम्यक बल लगा देते हैं, तो वो बॉडी जो है, जो पिंड है, वो किस में आ जाएगा, साम्यावस्था में आ जाएगा, बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, ठीक। ये चीज़ भी जो होता है साम्यक बल, ये आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक, दिखाई नहीं देगा, आप लगा सकते हैं, ठीक, कैलकुलेशन में होगा, और परिणामी बल जिस दिशा में होगा उसके जस्ट अपोजिट आप लगाएंगे तो बॉडी आपकी क्या हो जाएगी, संतुलन की अवस्था में आ जाएगी, या पहले से है तो उसको मेंटेन किए रहेगी, ठीक। यही है, देखिए, फिर से, यदि किसी पिंड पर बल निकाय कर रहा है, कोई बॉडी है, कोई पिंड है, उस पर बल निकाय, बल निकाय मतलब सिस्टम ऑफ फोर्स, सिस्टम ऑफ फोर्स मतलब कि बल निकाय, निकाय मतलब समूह, समूह मतलब दो या दो से अधिक, ठीक, तो बल निकाय मतलब दो या दो से अधिक का समूह। तो किसी बॉडी पे दो या दो से अधिक बल लग रहे हैं, ठीक, तो उस बल निकाय के प्रभाव के बराबर डालने वाला एकल बल, ठीक, जो वो बल निकाय है, जो सिस्टम ऑफ फोर्स है, उसके प्रभाव के इक्वल, उसके इफेक्ट के इक्वल इफेक्ट डालने वाला जो बल हमको मिलेगा, एकल बल, सिंगल फोर्स, वो क्या होगा, परिणामी बल कहलाता है, ठीक। और उस परिणामी बल के समान परिमाण तथा विपरीत दिशा, जो परिणामी बल है उसका क्या होगा, कुछ मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, ठीक, उस समान परिमाण, उसके इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन का जो एकल बल लगाया जाएगा बॉडी पे, पिंड पे, ठीक, वो क्या करेगा, उस परिणामी बल के पूरे प्रभाव को नष्ट कर देगा, ठीक। तो वही बल जो उस पूरे प्रभाव को, परिणामी बल के पूरे प्रभाव को नष्ट कर देगा, उसी को हम कहेंगे साम्यक बल या इक्विलिब्रियंट फोर्स। अब देखिए क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त पिंड आरेख। ये जब आप सवाल लगाते हैं बीम पे, तो उसमें आपको बनाना होता है मुक्त पिंड डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। इसमें आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक, आरेख बनाएंगे,
ठीक, उसमें अलग अलग बिंदु पे जो बल लगे हैं उसको दिखाएंगे, उसको प्रदर्शित करेंगे, ठीक। बट वो बॉडी जो पिंड है, जिस चीज से टच में है, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, जिस सतह से जुड़ी हुई है, उस सतह को नहीं दिखाएंगे। मतलब मुक्त पिंड एफेक्ट में क्या होगा कि आप किसी पिंड पे जो अलग अलग बल लगे हैं उस बल को दिखाएंगे, ठीक, उसकी दिशा को दिखाएंगे, लेकिन वह बॉडी पे जो बल लगे हैं, जिस सतह से जुड़े हुए हैं, उस सतह को नहीं दिखाया जाता है, उस सतह को छोड़ दिया जाता है, उस कॉन्टेक्ट सरफेस को छोड़ दिया जाता है। तो उसी को हम कहते हैं मुक्त पिंड आरेख या फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए क्या होता है, किसी पिंड के पृथक किए गए अवयव तथा वस्तु के एक भाव का वह आरेख जिस पर अन्य भाग में कार्यरत बलों का कुल प्रभाव भी सम्मिलित किया गया हो, मुक्त पिंड आरेख कहलाता है। दूसरे शब्दों में, किसी बल निकाय की क्रिया के अधीन किसी दृढ़ पिंड पर कार्यरत सभी बल ज्ञात एवं अज्ञात बलों के खींचे गए रेखा के प्रदर्शित करने के लिए खींचे गए रेखा को मुक्त पिंड आरेख कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि आप कोई बॉडी है, उस पर आपको बताया होगा किसी पिंड पे कि ये बल लगे हैं, तो जो ज्ञात बल है, जो आपको बताया ये बल है, उसको आपको दिखाना है, और उसके अलावा कुछ अज्ञात बल भी लगता है। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सभी एक्शन का क्या होता है, इक्वल मतलब समान और विपरीत रिएक्शन भी होता है। तो जब कोई बॉडी है उस पर कोई पॉइंट लोड लगा है तो कुछ रिएक्शन भी लगेगा। तो पॉइंट लोड तो आपको क्वेश्चन में या जो डायग्राम दिया उसमें दिया होगा, लेकिन रिएक्शन नहीं दिया होगा, जो प्रतिक्रिया लगा हुआ है वो नहीं दिया होगा कि वो कहाँ पे लगा हुआ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जब FBD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो जो ज्ञात बल है उसको भी दिखाएंगे और जो अज्ञात बल है उसको भी दिखाएंगे, दोनों को दिखाएंगे। अज्ञात बल आपको समझना होगा कि भाई इस दिशा में बल लगा है तो इसका प्रतिक्रिया बल रिएक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा और किस दिशा में लगेगा, उसको भी दिखाएंगे। उसके एंगल को दिखाएंगे, किसी एंगल पे लगा है, किसी कोण पे लगा है। तो लेकिन जो सतह होता है जिससे जुड़ा हुआ है, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, जो लाइनिंग होती है फिक्स्ड एंड वाली, वो आप नहीं दिखाएंगे, उस चीज़ को छोड़ देंगे। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।